नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फूड माफिया रंजन और आज नवाबी काबी टीम पहुंच चुकी है बीबीक्यू बेक। मैं आपको बता दूं, यहां के मोमोज, यहां के स्प्रिंग रोल, यहां का मंचूरियन सभी कुछ बहुत ही बेहतरीन है। हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि हम इसको कवर करें। लखनऊ के गोमती नगर एरिया में ये होसड़िया चौराहे से थोड़ा ही आगे, और मैं कह सकता हूं यहां का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। वही अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। बेसिकली एक फूड वैन है तो उसी के अंदर प्रिपेयर करते हैं। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि मेरी और आपकी मुलाकात होती रहे। ये मैं पहले दिल्ली में था, दिल्ली में काम करता था, फिर डायरेक्ट यहाँ के दुकान खोल दिया। अच्छा, अब मलाई चाप हो जाएगी, अचारी, तंदूरी चाप, हरियाली चाप, बोटी चाप, कैप्सी नगेट चाप। स्पेशल में हमारी ये बोटी चाप हो गई और एक चाप और है, ये कैप्सी नगेट चाप सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो दोस्तों दिखाना चाहूंगा, देखिए क्या कमाल का सेटअप है। ये देखिए फूड वैन है जहाँ पे चीजें प्रिपेयर होती है, और बाकी जो ग्रिल करने वाले आइटम्स है जैसे स्प्रिंग रोल हो गया, उसके अलावा यहाँ के तंदूरी वाले मोमोज हो गए, तो उसके लिए ये बारबेक्यू का सेटअप है। और स्प्रिंग रोल की प्रिपरेशन हो रही है, आपको बता दूँ मैदे की कोटिंग है ये, बेसिकली एक पराठे की तरह बनाया जाता है और अंदर जो है स्टफिंग भरी जाती है, बेस्ट स्टफिंग होती है। पनीर होगा, उसके अलावा पत्ता गोभी होगी, और ये देखिए ये तंदूरी पेस्ट बनाया गया है स्पेशल पेस्ट से दोस्तों, यहाँ के स्पेशल मसालों से बनता है, और उसी में इसको लपेट दिया जाता है। उसके बाद अब ये देखिए, अब इसको कोयले पे ग्रिल किया जाएगा। ये देखिए क्या बात है, इसको कोयले पे लगा दिया जाएगा। ये देखिए ये लग चुका है कोयले पे। आपको बता दूं 5 से 7 मिनट ये के ग्रिल होगा, उसके बाद हमारे प्लेट पे सर्व किया जाएगा। ये तंदूरी स्प्रिंग रोल नॉर्मल, मतलब तंदूरी स्प्रिंग रोल होता है, अंदर पत्ता गोभी और पनीर ऐड होता है, काफी बढ़िया होता है। देखिए दोस्तों स्प्रिंग रोल को अब हमारे चॉप कर दिया जा रहा है, ये सजा दिए गए इसके पीसेस। अब होने वाली है बढ़िया वाली गार्निशिंग। ये देखिए ऊपर से आ चुकी है थोड़ी सी प्याज, ये आ गया ऊपर से, आ गया थोड़ा सा चाट मसाला। ये कौन सा, कौन सी चटनी होगी? ये मोमो चटनी। फिर देखिए ये आ गई है स्पेशल मोमो चटनी, और ये आ गया है मिंट सॉस। क्या बात है दोस्तों, और साइड में आ गई मेयोनीज। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की प्लेट लग रही है। तो दोस्तों अब सबसे पहले मेरे पास स्प्रिंग रोल आ चुके हैं, और ये देखिए अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ की स्पेशल मोमो चटनी और मिंट चटनी के साथ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोस्तों, सबसे अच्छी बात है मैंने लाइफ में जब भी खाए हैं स्प्रिंग रोल खाए हैं, बड़ी तंदूरी स्प्रिंग रोल का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था मेकिंग टैंक पर स्पेशल तंदूरी से एक सॉस या पेस्ट कह दीजिए बनाया जाता है, उस पर लगा दिया जाता है, उस वजह से ना जो कोटिंग है इसकी बहुत तीखा फ्लेवर आ रहा है। बाकी अगर मैं स्टफिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं हमें पत्ता गोभी मिलाए गए हैं, उसके अलावा कई सारी और भी सब्जियां हैं। तो मैं कहूँगा तीखे और नॉन तीखे का जो एक फ्यूजन है बहुत अच्छा आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों रेट्स की बात आती है, रेट्स बहुत रीजनेबल है, 60 रुपीज़ का आपको ये मिल जाता है। तो मैं कहूँगा 60 रुपीज़ बहुत बढ़िया है ये, तो यहाँ आइए। तो मैं कहूँगा अगर स्प्रिंग रोल पसंद करते हैं तो उसको आपको डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी मुलाकात यहाँ के मोमो से करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ के बेहतरीन वाले वेज मोमोज। आपको बता दूँ कुछ कैबेज और उसके अलावा गाजर से, अदरक और लहसुन से इसको बनाया जाता है। ये देखिए बैक टू बैक ऑर्डर लग रहे हैं। और वेज के बाद दोस्तों ये है देखिए पनीर मोमोज। आपको बता दूँ पनीर मोमोज की डिमांड यहाँ पे काफ़ी रहती है, इसलिए आपको थोड़े खाली दिख रहे हैं, और वो इस वजह से कि नीचे वाले में ये और पनीर मोमोज बनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए एक काम करते हैं, हम भी पनीर मोमोज और वेज मोमोज एक एक पीस टेस्ट करते हैं, आपको बता देते हैं कि हमारा क्या रिव्यू है। दोस्तों मैं मोमोज टेस्ट कर लेना, आपको बता दूं नॉर्मली तो आपको पता है मोमोज यहाँ पे हाफ और फुल में मिलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ स्पेशल शूट के लिए पीस टेस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये है वेज मोमोज। बहुत बढ़िया स्टफिंग है, आप देख सकते हैं कैबेज और गाजर की स्टफिंग जो मैंने कहा था वो है, बहुत बेसिक है बट हैविंग सेड दैट काफी मसालेदार है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। 30 रुपीज़ का आपको हाफ मिल जाता है, तो मैं कहूँगा काफ़ी रीजनेबल भी रेट है। और ये है दोस्तों पनीर मोमोज। ये मुझे बहुत बढ़िया लगे। सबसे अच्छी बात है पनीर को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश किया गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक तरीके से,
पनीर के बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं, पनीर का कीमा बना लिया गया है, और उसके बाद जो मैंने बताया था प्याज और कुछ मसालों से बनाया गया है, बेसिकली पनीर चिली मसाला होता है थोड़ा सा चिली फ्लेवर देने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ इनके साथ मोमो भी पसंद करते हैं, तो आप मोमो भी खा सकते हैं। बाकी नगर जो मैंने बताया वो तो नगर चाप वो जहाँ की बेस्ट है, तो वो हम टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँगा इन केस अगर आप मोमो पसंद करते हो तो पनीर मोमो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। वो मतलब सोयाबीन की होती है चाप, नॉर्मली होती है, मैं बाकी बहुत सारे मसाले डाल के हम ही बनाते तैयार करते हैं। ये यूनिक आइटम है, ये हमारे ही दुकान से मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। तो दोस्तों स्प्रिंग रोल तो हमने खा लिया और बहुत ही बेहतरीन वाला रिव्यू भी दे दिया। लेकिन अब दूसरा जो आइटम है यहाँ की दोस्तों KFC नगेट चाप, वो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम है। तो चलिए उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो जी देखिए अब KFC नगेट चाप की प्रिपरेशन हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों बहुत ही यूनिक टाइप की चाप है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि चाप को कोयले पे ग्रिल किया जाता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसको डीप फ्राई किया जा रहा है। बेसिकली सोयाबीन और कुछ यहाँ के स्पेशल मसालों से इसको बनाया जाता है। हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन वाला कलर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए अब ये बिल्कुल डीप फ्राई हो चुकी है, अब ये हमारे लिए निकाल लिया गया है। टिश्यू यूज किया जा रहा है बेसिकली ताकि सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए अब ये हमारे लिए सर्व किया जा रहा है। ऊपर से आ गया थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा आ गया है नींबू, दोस्तों मेरा सेकंड आइटम आ चुका है जो कि है यहाँ की KFC नगेट चाप। सबसे पहली बात तो मैं यूनिकनेस कहूँगा, मतलब मैंने आज से पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, तो ये कह सकते हैं यहाँ का एक यूनिक आइटम है। और देखिए मिंट सॉस मेयोनीज और प्याज के साथ मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। टू ग्रेड दोस्तों, अगर मैं स्पाइसी में बात करूं ये मीडियम स्पाइसी है, बट जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का आ रहा है। स्पाइसी मैंने वेज नगेट कभी नहीं खाया है, तो मेरे लिए एक यूनिक चीज़ थी कि नगेट्स में चाप कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको मेकिंग दिखाई दी, ग्रिल नहीं किया जाता है, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, इनका खुद का ही कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला कि दिल्ली में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट देखा था, वहाँ से लेके आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो मैं कहूँगा अगर आप कुछ डिफरेंट टाइप की सोया चाप खाना चाहते हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको तीखा जैसे मैंने कहा था बहुत ही एक्सट्रीम स्पाइसी पसंद हो तो स्प्रिंग रोल ट्राई करना चाहिए। तो कुल मिला के मैं कहूँगा यहाँ पे आइए, दोनों ही चीज़ें ट्राई करिए, और जो आपका रिव्यू है वो मैम कमेंट सेक्शन पे दीजिए।